दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच डोमिनिका के विंडसर पार्क में दो टेस्ट मैचों की सीरीज पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने फैसला किया। पहले सेशन तक वेस्ट इंडीज के 5 विकेट के नुकसान पर 76 रन बना लिए हैं। वहीं इसी मैच से जुड़ी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उन पर बॉल टैंपिंग के आरोप लगे। रोहित शर्मा ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार कप्तानी की। उन्होंने गेंदबाजों सही उपयोग करते हुए वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी में सेंध लगाने का काम किया। वहीं वेस्ट इंडीज की पारी के दौरान रोहित शर्मा मैदान पर एक हरकत करते हुए कैमरे में कैद हो गए। हुआ कुछ यूं था, वेस्ट इंडीज के सालमी बल्लेबाज बिना विकेट गंवाए 31 रन पर खेल रहे थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पहले विकेट के लिए काफी परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने मोहम्मद सिराज के ओवर में कुछ ऐसा किया जिसके बाद भारतीय कप्तान पर बेईमानी का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल कोरोना काल के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नियम बनाने वाली संस्था मेलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी एनसीसी ने गेंद पर सलाइवा यानी लार या थूक लगाने का पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन खिलाड़ी अपने शरीर का पसीने का इस्तेमाल कर गेंद को चमका सकते हैं, ठीक इसी प्रकार रोहित शर्मा ने भी गेंद पर पसीने का उपयोग किया, जो कि किसी भी प्रकार से नियमों के खिलाफ नहीं था।